से बाहर निकलना बंद कर दिए और मलाला जो है उसको अपनी ड्रीम टूटते हुए दिखे। तब क्या करी मलाला? उसके घर वाले ने क्या किया? अपने पापा के सीने में मुंह छुपा के रोई या फिर अपनी मम्मी को क्वेश्चन कर करके परेशान कर दी? क्या किया? आई थिंक आई हैव डन जस्टिस विद द स्क्रिप्ट एंड द रेस्ट यू विल से आफ्टर वॉचिंग द फिल्म एज वेल। आप हमेशा सच के साथ और हमेशा अपने इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे, जैसे कि जिस लड़की पर ये फिल्म बन रही है और जिस लड़की ने इतना दुनिया में नाम कमाया अच्छाई की वजह से, आई थिंक शी इज एन एग्जाम्पल एंड वी शुड रियली फॉलो हर एंड शी इज एन इंस्पिरेशन वी ऑल मस्ट लुक अप टू। शी इज नोन फॉर हर माइंड, हाउ शी थिंक्स, हाउ शी कंडक्ट्स हरसेल्फ and how she presents herself to the world, and I'm so glad a film on her has been made. My best wishes to the entire team. Thank you. एक बेटी ने अपने पढ़ाई के लिए लड़ाई की, ये बहुत बड़ी बात है और गुड कॉन्सेप्ट, नया है। और जिसने गोली खाई पढ़ाई के लिए और लड़ी और अपने आप को कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो ज़रूरी कहूँगा फिल्म बहुत अच्छी है। गुलम का जो फिल्म बन रही है, जो अमजद खान बना रहे हैं और जो प्रोड्यूसर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। मुझे ये बेटी है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे फिल्में बने और ऐसे फिल्में चले। देखा जाए तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बिकॉज मलाला एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है और एक वर्ल्ड आइकन है अभी, एंड मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया और मैं भी इसमें काम कर रही हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट डूइंग अ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस मूवी। इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई, और ये इंशाल्लाह बदलेगा यार। हमारी दुआ है कि लोग, क्या होता है एक फिल्म देख के हम भी बदलते हैं, नहीं कोई कोई फिल्म कोई कोई सीन हमें बदल देता है अंदर से, उस तरह से एक फिल्म बहुत काम कर सकती है। और देखिए आज मलाला ने वहाँ पे कुछ किया, ये हमने सोशल मीडिया पे देखा, ये लोगों ने देखा, तो आज वो हीरोइन बन चुकी है। आज वो पूरी दुनिया में लोग उसे इज्जत से बुला के एम्बेसी में, बड़े बड़े कैनेडियन अमेरिकन लंदन में उनको बुला के उनका सम्मान किया जा रहा है और उनको बहुत इज्जत दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत तैयारी की है। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने, पापा ने बहुत तैयारी करवाई है, बहुत मम्मा ने भी बहुत मेहनत करवाई है मुझसे, लाइक यूट्यूब वीडियोस देखना, गूगल पे यू नो सब सर्च करना, मलाला की एक एक डिटेल, उनके यू नो चलने के अंदाज को कॉपी करना, उनके बोलने के अंदाज को कॉपी करना। तो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई एम श्योर दैट अमजद सर भी मेरी काफ़ी हेल्प करेंगे।